हेलो, आपका स्वागत है मेरी चैनल येलो मस्टर्ड पे। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला मशरूम की सब्जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अगर आपका रोज़ाना की सब्जी से मन भर जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो शुरुआत करते हैं बनाने की। मशरूम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 पैक मशरूम लिया है। इसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धुलेंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट है वो निकल जाए। एक मीडियम साइज के आलू को हम 4 पीसेस में काट लेंगे। अब हमें मशरूम और आलू को बॉईल करना है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच नमक, और इसे ढककर 5 मिनट तक बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। होने के बाद इसे छान ले और फिर से एक बार पानी से धो ले। अब छोटे मशरूम को 2 पीसेस में कट कर ले और बड़े मशरूम को 4 पीसेस में कट कर लेना है। आलू को भी आधा कट कर लें। दो मीडियम साइज के प्याज को लंबे टुकड़ों में काट लें। यहाँ पे हमें पेस्ट बनाना है 2 मीडियम साइज के टमाटर, 10 से 11 लहसुन और थोड़ी सी अदरक का। अब एक गरम कढ़ाई में 1 छोटी कटोरी सरसों डाल के मशरूम और आलू को फ्राई करेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि तेल गरम होना चाहिए फ्राई करने के लिए। मशरूम और आलू को अलग अलग हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, फिर जाएगा कटा हुआ प्याज। इसे हम हल्का ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर जाएगा इसमें बनाया हुआ पेस्ट, इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालें 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मसाले को ढककर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं। मसाला पक जाने पर इसमें 1 छोटी कटोरी हरी मटर डालें और 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करें। फ्राई किया हुआ मशरूम और आलू, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करें। अब 1 कटोरी पानी डाल के ढककर उबाल आने दें हाई फ्लेम पे। अब हमारा मशरूम मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।